हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल तैयारी पर। और मध्य प्रदेश की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे एमपीपीसी प्रीलिम्स में। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एक ऐसा पॉइंट है, मध्य प्रदेश की परीक्षा की तैयारी करने में सभी एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल है। बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए, और ये कई सामान्य जानकारी जो लगती तो बहुत सरल है, लेकिन कई बार परीक्षा में इन्हीं से गलतियां हो जाती है, और ये गलतियां उन प्रश्नों की तुलना में जो कठिन होते हैं वो ज्यादा दुखदायी होती है, क्योंकि जो आता हुआ बनता है, जो सरल हमको जो गड़बड़ हो जाता है तो वो ज्यादा अखरता है। उसीलिए हम इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ेंगे कि भैया क्या कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रस्पेक्टिव में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आइए प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश सबका दाता सबका साथी है। मध्य प्रदेश को समझने के लिए हमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखने हैं। मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था कैसी है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मध्य प्रदेश में अन्य जो प्रमुख पॉइंट है कला संस्कृति से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए, वो किस तरीके के हैं, ये सारी चीजें को देखनी है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में भी आपको मध्य प्रदेश का इतिहास कला संस्कृति एक यूनिट दी गई है पहली, फिर मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित यूनिट दी गई है तीसरी, फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था से संबंधित यूनिट दी गई है। ये तीन यूनिट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका पूरा बेस एमपी के से शुरू होता है। तो सामान्य परिचय में हम किसकी चर्चा करेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश अस्तित्व में कैसे आया, इसके लिए पुनर्गठन का टॉपिक होगा पूरा सेपरेट। अभी आपको यह ध्यान देना है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया फजल अली आयोग, जिसकी अनुशंसा पर, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, उसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 2000 को, आज जो स्वरूप है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश गठित हुआ था इसमें हमारे पास छत्तीसगढ़ भी शामिल था। मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, इनको मिलाकर के किया गया। फिर मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन, जिसको मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर 2000 को। तो ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद। इसमें एक पॉइंट और बता रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश बना, पुनर्गठन में सब चीजें पढ़ाऊंगा, तो भारत के संविधान में 7th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, क्या 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत ये किया गया। और अधिनियम कहाँ होगा, तो पहली जो हमारा अनुच्छेद 3 है, पहली अनुसूची, उसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 1 नवंबर 2000 की इसकी बात करें तो ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, और इसमें छत्तीसगढ़ का भाग अलग हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ उस समय भारत संघ का 26वां राज्य बना था। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे यहाँ कुछ टाइटल और कुछ शीर्षक दिए गए हैं राजधानियों को लेकर, कि ये राजधानी क्या कहा, जैसे नदियों को लेकर बहुत सारे शीर्षक हैं, पर्यटन नगरों को लेकर बहुत सारे शीर्षक हैं, वैसे ही राजधानियों को लेकर। तो प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, संस्कार धानी भी इसको कहा जाता है एक टर्म, संस्कार धानी, संस्कार राजधानी। आर्थिक और खेल राजधानी, हमारी खेल राजधानी, हमारी आर्थिक राजधानी, जो वित्त राजधानी है, ये सब मेजर जो कैपिटल इकोनॉमिक रूप से हो, फाइनेंशियल रूप से हो, स्पोर्ट्स के रूप से हो, ये राजधानी हमारी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी, क्योंकि बैढ़न सिंगरौली में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, जिसकी वजह से इसे ऊर्जा राजधानी की संज्ञा दी गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है। संगीत राजधानी मैहर है, जो कि अपने आप में एक विशेष संगीत नगरी अलाउद्दीन खां के संदर्भ में जुड़ता है। फिर मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, पंडित नेहरू ने कहा, देश के बीच में है। फिर टाइगर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में है। हीरा प्रदेश, डायमंड मिलता है पन्ना में, इसीलिए कहा जाता है। नदियों का मायका, वनों का राज, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। तेंदुपत्ता, जो बीड़ी उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। तेंदुआ, गिद्ध, वुल्फ, राष्ट्रीय उद्यानों का राज, और घड़ियाल और चीता, ये सभी नाम, ये टाइटल्स बन जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोया स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को था, लेकिन उस रैंकिंग में कभी दो कभी एक हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो राजकीय पशु है ये कौन है, तो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, ये तीन चीजें मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित की गई थी। 25वीं वर्षगांठ थी 1 नवंबर 1981 को। 56 से 25 जोड़ेंगे तो 81 पे हम पहुंच जाएंगे। अब हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं।
कि रुसवस द्वास वैली किसका नाम है, या मध्य प्रदेश के राज्य के पशु में ये नाम से आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शन। तो बारहसिंगा कौन सी जाति का, ब्रेडरी जाति का, कहाँ मिलता है मुख्य रूप से, तो काना किसलिए कहाँ है, तो मंडला में देखने के लिए मिलेगा, मंडला के अलावा बालाघाट में भी हमें देखने के लिए मिलता है इसका कुछ हिस्सा, मंडला बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मेंशन है। घोषित वर्ष तो मैंने अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर पशु पक्षी और वृक्षों को घोषित किया गया। विशेष क्या है, 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह द बारहसिंगा ने अपना शुभंकर जारी किया। तो नाम था भूरसिंह द बारहसिंगा से अपना शुभंकर जारी करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बना। रोहन चक्रवर्ती की इसको डिजाइन किया था। आगे हम देखते हैं तो राष्ट्रीय पुष्प की हम बात करेंगे, जिसमें कि हमारा राजकीय पुष्प सॉरी क्या है, लिलियम कैडमियम, इसका वैज्ञानिक नाम व्हाइट लिली, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट लिली जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पुष्प फिर इनपे इसको लिलिसी कहा जाता है। कुल या किस कुल से संबंधित है, बाहुल्य क्षेत्र तो हमारे एमपी में लगभग सभी जगह मिल जाता है। फिर देखें पक्षी, तो मैंने पशु पक्षी और वृक्ष तीन चीज कही है जो 25वीं वर्षगांठ पर हमारे को घोषित हुई। तो इनमें जो दूध राज है इसको क्या क्या कहा जाता है, शाह बुलबुल कहा जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है ना। फिर इसके वैज्ञानिक नाम की हम बात करें, टर्सवनी पैराडाइजे जो है ये भी इससे भी जुड़ता है। फिर ये मुख्यतः कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो मालवा क्षेत्र में मिल जाएगा, पश्चिम मध्य प्रदेश में रतलाम के आसपास के क्षेत्रों में, धार सैलाना सरदारपुर जो हमारा धार में है और सैलाना जो हमारा रतलाम में है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। वर्ष 1981 मैंने आपको बताया कि 25वीं वर्षगांठ, याद रखना पशु पक्षी वृक्ष। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो क्या वृक्ष के नीचे पशु और वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठता है, ऐसे करके तीन चीजें याद कर लो तो 25वीं वर्षगांठ से जुड़ी रहेगी। फिर हम बात करेंगे हमारी मछली जिसको 2011 में घोषित किया गया था, जिसको हम महाशीर कहते हैं, टॉर पिट्यूट्रा। तो ये टॉर पिट्यूट्रा जो है टॉर प्रजाति की, ये नर्मदा में मिलती है। 2011 में बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है जो इसके संबंध में विशेष है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली होने का इसे यश प्राप्त है। राजकीय वृक्ष, तो वृक्ष भी 25वीं वर्षगांठ की हमने चर्चा की। फिकस बेंगलिसिस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में लिखते समय प्रोनाउंसिएशन फाइकस हो जाता है, इंग्लिश में फिकस पढ़ते हैं, वानस्पतिक नाम है, फाइकस प्रजाति है, पूरे मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। 1981 इसका भी आंसर है। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंपॉर्टेंट है, कहाँ, तो बड़गोदा में जो है इंदौर के वहां पर बनाया जाएगा, पहला बरगद पार्क बनाया जा रहा है। बड़ का वृक्ष जिसको हम कहते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। फिर हम आते हैं तो हमारा राजकीय फल है आम। फलों की भी बात होती है, हमारा फल कौन सा है, आम, जो कि गर्मियों में आता है, फलों का राजा कहा जाता है आम को। तो वानस्पतिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिल जाता है। जो फेमस प्रजातियां हमारे पास है उनमें नूरजहां जो अलीराजपुर जिले की, और सुंदरजा रीवा का, जीआई टैग मिल चुका है क्या इनको, ये आप लोग बताएंगे। फिर मध्य प्रदेश आन आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गोविंदगढ़ रीवा में। रीवा में कई बार रीवा नहीं दिया जाता ऑप्शन में, सीधा गोविंदगढ़ दिया रहता है। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में स्थित है, जो कि रीवा जिले का हिस्सा है। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में पारंपरिक खेलों को प्रमोट करने की बात बहुत हुई, और हमारे जो देसी खेल हैं जिसमें शारीरिक वर्जिश हो, कसरत हो, लकड़ी के खंभे के पोल के ऊपर आप खड़े हो गए, करतब दिखा रहे हो, जैसे कि ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये पोल के ऊपर ये बालक करतब दिखा रहा था। ये क्या, किसका करतब है, ये मलखम्ब है, इसे ही हम 2013 में घोषित कर चुके हैं, मालवा क्षेत्र से है। मलखम एकेडमी की बात करें तो आपको उज्जैन जिले में देखने के लिए मिल जाएगी, और इस क्षेत्र में एक फेमस सम्मान दिया जाता है जिसे करंट अफेयर भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो प्रभास जोशी सम्मान की चर्चा है जो मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो हमारी राज्य की फसल क्या है, मैंने आपको बताया उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में उत्पादन के दृष्टिकोण से इससे अधिक क्षेत्र में बोई जा रही है गेहूं, और उत्पादन भी हो रहा है। लेकिन हमारी राज्य की फसल की मैं बात करूं तो वो सोयाबीन है, लैग्यूमिनेसी इसका जो है कुल है। इसके अलावा वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, याद रखना वानस्पतिक नाम और कुल दोनों में शब्दों में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, कंफ्यूज नहीं होंगे।
फिर किस्में क्या है, तो समृद्धि इसकी किस्म है, प्रसाद इसकी कृष्ण, प्रतिकार अहिल्या अलंकार। अब क्या होता है, ये क्यों दे दिए हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अलंकार किसकी किस्म है या प्रसाद किसकी, किस फसल की किस्म है, किस फसल से, जैसे सुंदर जा हमने आम के लिए यूज किया उसी प्रकार। अब मुख्य रूप से सोयाबीन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में मालवा में होता है सोयाबीन की जो फसल है। काली मिट्टी इसके लिए काफी अच्छी उपयोगी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सतपुड़ा के अंचलों के क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में, तो बहुत सारा किसान, मध्य भारत की बात करें तो अल्टरनेट जो फसल है, जैसे खरीफ की फसल है ये सोयाबीन, तो इसके अल्टरनेट उसमें मक्का ज्यादातर बोना पसंद करते हैं उन क्षेत्रों के। और पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश में सोयाबीन के जो उत्पादन है, या हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्र में काफी गिरावट देखने के लिए भी मिली है। अब हमारा नाट्य है, देखो नृत्य और नाट्य दोनों की बात अलग अलग है। हमारा डांस की बात है और हमारा जो ये आर्ट है नाट्य, जिसको हम माच कहते हैं, ये मेजरली मालवा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही बुराई बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करता है। तो मालवा का लोक जीवन पर आधारित नाट्य है, ड्रामा है, जिसको कि हम प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा के रिप्रेजेंटेशन से जानते हैं। ये पूछे जाते हैं कि भैया सिद्धेश्वर सेन किस से क्षेत्र से संबंधित है, तो नाट्य से है। माच, जिसमें ओम प्रकाश शर्मा की भी हमने चर्चा की, फिर आगे हम बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे नृत्य की। तो हमारा राजकीय नृत्य क्या है, राई। राई जो है, राई हो, स्वांग हो, खमस्वांग हो, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ होता है, बुंदेलखंड अंचल में हमें देखने के लिए मिलता है ये डांस। और ये क्या होता है, तो इसमें मृदंग होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ किसी भी शुभ अवसर पर इसको किया जाता है। फसल कटने की बात हो, विवाह की बात हो, जन्मदिन की बात हो, ऐसे कई अवसर होते हैं जिन पर इनको किया जाता है। ज्ञानेश्वरी, याद रखना, इनकी प्रमुख कलाकार है कटनी जिले की, जो कि चर्चे में रही है समाचार पत्रों के माध्यम से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह, जिसमें कि 24 स्तूप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक देखो क्या होता है, 24 स्तूप बाहर मिलेंगे, है ना, जैसे मान लो कि हमने इसको बना लिया ऐसे ऐसे ऐसे, जो है ये स्तूप, ये इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 24 स्तूप है, ठीक है। इसके बाद एक व्रत है, ठीक है, हमने ये व्रत बना दिया, जो कि तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है ये व्रत, ठीक है। इसके व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन, कुछ इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। साथ में इसमें गेहूं की और धान की बालियां हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये भी पूछा जाता है कि राजकीय प्रतीक चिन्ह में कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलती है, तो गेहूं और धान की बालियां इसमें हमें देखने के लिए मिलती है, फिर कुछ बरगद की वो भी है, ठीक है। फिर हमने प्रशासनिक बात की, कैपिटल्स की बात की, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्हों की बात की, फसलों की, वृक्षों की, पक्षियों की, मछली की, नृत्य नाट्य जैसे प्रमुख चीजों की हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हैं। अक्षांशी देशांतरी विस्तार, मेंस में सीधा पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश का अक्षांशी देशांतरी विस्तार लिखो, प्री में भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की ये आपको रट लेना है 216-26-30, ऐसे से याद कर लो, 216-26-30 से 749-82-48 पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर, भारत भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में, तो मध्य प्रदेश भारत के बाहर तो है नहीं, तो भारत में ही होगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ पर मुरैना जो सबसे उत्तरी जिला है, यहाँ पर हम बात कर ले बुरहानपुर, ये जो लंबाई है इसको हम 605 किलोमीटर यहाँ पर मेजर करेंगे। जबकि चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी जिला हमारे पास कौन सा है, अली राजपुर, और पूर्वी जिला हमारे पास है सिंगरौली। तो ये जो है हमारे पास ये कितनी हो जाएगी, 870, ठीक है। और मध्य का जिला सागर, ये भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के मध्य का जिला सागर है, दक्षिणतम जिला बुरहानपुर, उत्तरतम मुरैना, पश्चिमी अलीराजपुर और फिर सिंगरौली, मध्य में सागर मध्य प्रदेश में। फिर पश्चिम से लेके पूर्व मध्य प्रदेश में 24 मिनट का समय अंतराल है। वास्तविक टाइम जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक। ये इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो
जो देशांतर रेखाओं के आधार पर 34 मिनट वास्तविक समय, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली में 34 मिनट पहले सूर्योदय होगा, जबकि 34 मिनट बाद अलीराजपुर में देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहर, या जो हमारा 82.5 डिग्री जिसको हम बात करते हैं, जहां से मानक समय भारत का लिया गया नैनी के समक्ष इलाहाबाद, उसी की करीबी रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, उससे जबलपुर पास में पड़ेगा। सबसे पहले पन्ना, रीवा, कटनी, भोपाल और इंदौर, इनके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको याद रखेंगे कि कहाँ कौन सा क्या मेंशन हो रहा है। फिर हमारे मध्य प्रदेश की पड़ोसी सीमा कहाँ कहाँ लग रही है, तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि भैया बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश जो है साहब, मध्य प्रदेश की पड़ोसी सीमा कहाँ कहाँ लग रही है। अब मैं मध्य प्रदेश की पड़ोसी सीमा की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा दक्षिण पूर्वी इलाका, ये हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, यहाँ से हमारी सीमा उत्तर प्रदेश को लगेगी, इटावा, यमुना, चंबल इसकी प्राकृतिक सीमा बना रही है। यहाँ पर हमारी सीमा राजस्थान से लगेगी, जो मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्ट इलाका है। यहाँ पर हमारी सीमा गुजरात से लगेगी और यहाँ हमारी सीमा महाराष्ट्र से लगेगी। ऐसे करके कुल 5 स्टेट हैं जिनसे कि 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब इनमें आप देखें तो ये पूरा मेंशन कर दिया है, मैप में लिख भी दिया है, पर मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती रिवर बनाती है। तो ताप्ती कैसे बनाती है, मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहां से बैतूल के समीप से ताप्ती इस प्रकार बहती हुई जो है ये प्रवेश करती है गुजरात में, ठीक है ना। ताप्ती भ्रंश घाटी से बहने वाली नर्मदा ताप्ती प्रमुख घाट नदियां हैं, सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो बुरहानपुर में जो है, बुरहानपुर दर्रे से होकर बहती है नेपान, अगर बुरहानपुर ताप्ती के तट पर देखने के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा दक्षिणी सीमा बनाती है महाराष्ट्र और फिर गुजरात, ये आपकी ताप्ती हो जाती है। जबकि उत्तरी सीमा ये चंबल, जो इंदौर से जानापाव से निकलकर कुछ इस प्रकार बहेगी, स्पर्श करते हुए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा को फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी और उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना में मिलती। तो प्राकृतिक सीमा दो नदियां, दक्षिण में ताप्ती, उत्तर में चंबल, ये आपको याद रखना है, ताप्ती और चंबल। फिर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या पूछा है आपसे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत के संदर्भ में भी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब मालवा के पठार में ये अलग अलग क्लाइमेट पूछे जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश 9.38% कवर करता है पूरे देश का, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो भौगोलिक विषमता तो मिलेगी। मध्य भारत में जहाँ महाद्वीपीय जलवायु, गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी मिलेगी, बारिश कम मिलती है, वहीं मालवा में सम जलवायु, ठंडी गर्मी ठीक ठाक, बारिश भी ठीक ठाक। मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु के टर्म में जो टर्म यूज किया जाता है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जबकि मालवा के पठार की जलवायु आदर्श, जिसे कि सम जलवायु भी कहा जाता है। फैयान जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य गुप्त शासक, उनके टाइम पीरियड में आए थे। फिर हम आगे बात करें तो वर्षा, तो मध्य प्रदेश में एवरेज जो वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। वर्षा का क्रम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम कम होता है, जहां मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी, तो इस क्षेत्र से जो जो हम इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे वो वर्षा कम होती जाएगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, गोहद भिंड में देखने के लिए मिलेगी। फिर हम बात करें तो कर्क रेखा, अब कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिले, भारत के 8 राज्य और विश्व के 18 देश, याद रखना ये। इसकी बहुत फेमस ट्रिक है, रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा, रतलाम उज्जैन आगर, भंवरा सा भोपाल विदिशा रायसेन, फिर दम जब रउआ राशि भंवरा सा सागर, दम दमोह जब जबलपुर कटनी उमरिया शहडोल, है ना। ऐसे 14 जिलों से गुजरती है, जिनमें रतलाम उज्जैन, शाजापुर, रउआ शाजापुर नहीं आगर है एक्चुअली, ठीक है ना, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल विदिशा रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। फिर माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती, एक बार मध्य प्रदेश में, फिर आपकी जो है गुजरात में। आगे हम बढ़ते हैं कर्क रेखा के संदर्भ में, तो अभी हमने चर्चा की थी कि जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से नजदीक है, ठीक वैसे ही कर्क रेखा से जो नजदीक स्थिति है, तो उनमें अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से शहरों के नाम मेंशन किए हुए, जो आप देख सकते हैं। केंद्रीय बिंदु, ये क्वेश्चन आते हैं कि भैया अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु, भारत का केंद्रीय बिंदु
मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, ये सब पूछे जाते हैं। तो अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, वर्शाली बैतूल को माना जाता है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी कटनी को माना जाता है। भारत के परस्पेक्टिव में और अखंड भारत दोनों में अंतर, अखंड भारत जिसमें हम अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति क्या है, तो हमारे पास 3 नए जिले इसी साल बने, तो अब हमारे पास 55, जिसमें कि हम बात करेंगे जिलों की संख्या। एक तो हमारा 53वां जिला हनुमाना की बात करेंगे, इसको बनाया गया, मैहर को जिला बनाया गया, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार फिर तहसील है 428, ग्राम पंचायतें, नगर निगम आपके नगर पालिकाएं 98 और कुल ग्राम 54,903। फिर हम देखें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षाओं में, अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में, और जबलपुर में की गई थी। इसकी दो खंडपीठ हैं, एक इंदौर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है उच्च न्यायालय। फिर अगर हम बात करें तो इससे पहले, 56 से पहले जो न्यायिक क्षेत्र था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वो था नागपुर। तो हम सभी जानते हैं कि नागपुर अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी कही जाती है, और फिर जो 8 मराठी भाषी जिले तत्कालीन बम्बई स्टेट को दिए, पुनर्गठन हुआ उसमें नागपुर चला गया और ये मैटर फिनिश हो गया। अब इसका वास्तुकार भी हमसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना हेनरी इरविन करके बंदा है जो इसका वास्तुकार कहा जाता है, किसका, जो हमारा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है। अब इसकी दो खंडपीठों की हमने बात की, तो खंडपीठें 1968 में स्थापित की गई। यहां पर कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी कि खंडपीठ कब स्थापित की गई, तो 1968 में स्थापित की गई। फिर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सीटों का जो आवंटन है ये किस हिसाब से किया गया, विधानसभा की कितनी सीटें हैं आपकी, लोकसभा की और राज्यसभा। पहले आंग्ल भारतीय समुदाय की जो कंसेप्ट था 104वें संविधान संशोधन से जिसको हटा दिया गया, तो हमारे पास अब एक होता था विधानसभा में, वो प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, मामला फिनिश। अविभाजित मध्य प्रदेश जब हमारे पास 36 था, तो नंबर वही रहेंगे, आगे पीछे हो जाते हैं, 320 अभी 230, जिसमें आरक्षित कितनी है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 47, सॉरी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और जाति के लिए 35। यहीं पर अगर मैं चर्चा करूं लोकसभा की, तो लोकसभा अविभाजित 40 जब छत्तीसगढ़ हमारे पास था, और अब 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में 16, अनुसूचित जनजाति की 6 और जाति के लिए 4 आरक्षित है। अविभाजित टर्म इसलिए है क्योंकि अविभाजित टर्म से क्वेश्चन आया है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी थी, लोकसभा की कितनी थी, राज्यसभा की कितनी थी, विधानसभा की कितनी थी। अब मध्य प्रदेश की कुछ अन्य जानकारी, 308 252 याद कर लो, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो कि 9.38% कवर करता है पूरे भारत वर्ष का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा था, अब जो है क्योंकि नया जिला पांडुर्ना बना दिया। देखो 3 नए जिले की मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक मैहर को बनाया, पांडुर्ना को बना दिया, और हनुमना 53वां बना था, हनुमना 54 55। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो जिले हैं उनकी संख्या 55 हो चुकी है, सबसे छोटा निवाड़ी है। फिर अभी अपडेट होगा, नए जो उसमें आएगा तो उसमें और अपडेट करेंगे। फिर मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.26 करोड़, अंतिम 2011 के आंकड़े, उसके बाद से जनगणना के आंकड़े भी नहीं आए हैं। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर, न्यूनतम निवाड़ी, फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 11 की जनगणना के हिसाब से हरदा था। साक्षरता दर की बात करें तो 69.35 जो कि बड़ी ही होगी निश्चित तौर पर, अधिकतम साक्षरता जबलपुर की है ओवरऑल। फिर पुरुष और महिला का कंसेप्ट इसमें अलग आता है, सेंसस पढ़ेंगे तो उसमें हम डेटा में देखेंगे। न्यूनतम अलीराजपुर की जो केवल 36% के आसपास देखने के लिए मिलती, मात्र सोचो अलीराजपुर की साक्षरता दर कितनी कम है यार, 36%। सेक्स रेशियो लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर क्या होता है, लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो हमारे यहाँ 931 है, 931 है, जिसमें सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जिले वाइज सेक्शन अगर बांट दें तो 1021 कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपको, 1021 आपके बालाघाट में, और सबसे कम भिंड में जो कि काफी चिंता का विषय, 837, लिंग अनुपात काफी कम था। फिर जनसंख्या वृद्धि कहाँ बढ़ी, तो जनसंख्या लगभग 33% की दर से, 32.9% की दर से कहाँ बढ़ी सबसे ज्यादा, इंदौर में बढ़ी, और न्यूनतम वृद्धि हुई अनूपपुर में 12.3%। फिर आगे देखते हैं जिसमें डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, भारत
भारत का कितना है ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, 386 है, 372 है, कितना है कमेंट में बता दो। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ज्यादा डेंस जो डिस्ट्रिक्ट है भोपाल, मतलब कि कम भूमि में ज्यादा लोग रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या तो डिंडोरी, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी थी आज के लेक्चर में, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की राजकीय प्रतीक चिन्ह वृक्ष आदि जिनको हमने देखा, मध्य प्रदेश की भौगोलिक प्रशासनिक स्थिति, मध्य प्रदेश के प्रमुख नाम, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए टाइटल हैं, और प्रमुख जो फैक्चुअल जानकारी बेसिक हमें मध्य प्रदेश पढ़ने से पहले होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर कवर की। इसके बाद अगला लेक्चर में आपको पुनर्गठन पढ़ाऊंगा, जिसमें मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आया उसको पढ़ेंगे, फिर मध्य प्रदेश के भूगोल से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति और मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ के 3 यूनिट प्रिलिम्स की आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। गुड लक।